आइए और जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में हैं डॉक्टर भारत भूषण जी, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के प्रति लगा दिया। अब कुछ समय और ज़्यादा ये एक संगठन को तैयार करके समाज का काम करना चाहते हैं। सर, अभी जो ये दो दिन से 8 और 9 तारीख से यहाँ इतना बड़ा वो प्रोग्राम चल रहा है, सर जो भी आते हैं वो दलित समाज की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, और फिर उसके बाद में ये समाज अपने आप को छला हुआ ठगा हुआ समझा जाता है, जैसे कि वो आज हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि दलित समाज में लोगों का कहना यह है कि दलित समाज का उत्थान हो, दलित समाज अपने पैरों पर खड़ा हो, लेकिन लोग अलग अलग बटे हुए हैं। इससे दो बातें जाहिर होती हैं। एक बात तो यह स्पष्ट होती है कि दलित समाज के लोग ये चिंतन कर रहे हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इकट्ठा हो करके ब्राह्मण मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करें और एक नए समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ावें। साथ ही साथ बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग ये भी चाहते हैं कि धन धरती का जो असमान वितरण है ये जो है ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरह से जो है कि आपने जो प्रश्न किया है ये बिल्कुल सही प्रश्न है कि लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं, लेकिन इनको एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ संगठन के अध्यक्ष ईगो के कारण, अहम भावना के कारण वो अलग बने हुए हैं। कुछ लोग अपने नाम को चमकाने के लिए, जिनका उद्देश्य सामाजिक काम करना नहीं है, राजनीतिक रूप से दलितों को सशक्त बनाना नहीं है, उनका उद्देश्य है कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बना रहा हूँ, मेरी पहचान बनी रहे। तो मेरी कोशिश ये है कि जितने दलित संगठन हैं उसमें से अगर 25% 30% भी अच्छे लोग हमारे साथ अगर इकट्ठा होकर के आ जाते हैं तो हम जो है कि उन फर्जी दलित संगठनों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो पाएंगे। सर, इस समाज ने, दलित समाज ने, अन्य समाज ने रामविलास पासवान जी पर विश्वास किया, उदित राज जी पर विश्वास किया, अठावले जी पर विश्वास किया, लेकिन जब दलित समाज पर अत्याचार होते हैं तो ये कुछ नहीं बोलते। मुख्य कारण क्या है? ये मुख्य कारण दरअसल आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो बात कही थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली की उनकी बात नहीं मानी गई, जिसके कारण हमारा नेता बिकाऊ हो गया। मनोहर कांसी राम जी ने कहा था कि मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ जो बिकाऊ समाज न हो, टिकाऊ समाज हो। अगर हमारा समाज टिकाऊ होगा तो हमारा नेता भी टिकाऊ होगा, क्योंकि हमारा समाज बड़े पैमाने पर देखा जाता है किन्हीं न किन्हीं कारणों से बिक जाता है। इसलिए ऐसे नेता को प्रोत्साहन मिलता है और ऐसे नेताओं को मैं कंडेम करना चाहता हूँ कि आरक्षण के रिजर्वेशन के कारण वो जो है कि राज्यसभा और पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, तो उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्भीक हो करके निर्वहन करना चाहिए। साथ ही साथ जो ह्यूप की व्यवस्था लागू की गई है, ह्यूप की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई राजनीतिक पार्टी कोई उनको विधेयक पास कराना होता है तो ह्यूप जारी कर देते हैं। इसमें हमारे समाज का या कोई भी व्यक्ति जो नहीं चाहता है कि ये बिल या विधेयक पास हो, लेकिन मजबूरी में डर की वजह से वो जो है पार्टी के साथ खड़ा होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो संशोधन करके ह्यूप का प्रोविजन लाया गया था वो समाप्त किया जाए। सर, आपने बोला कि समाज बिक जाता, समाज बिकता है या नेता बिकते हैं? सर देखिए साहब, हमारा मनोहर साहब कहा करते थे कि हमारा समाज बिकाऊ समाज है, अगर ये टिकाऊ समाज हो जाएगा तो हमारे नेता भी जो है बिकाऊ नहीं होंगे। तो मनोहर साहब ने कहा था मैं इस समाज को टिकाऊ समाज बनाऊंगा। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जो नेता होता है हमारे आपके बीच का होता है, हमारे आपके मानसिकता, हमारे आपके आचार विचार को आत्मसात किया रहता है, इसलिए नेताओं बिक जाता है। हमको जो है सोशल अवेकनिंग लानी पड़ेगी, लोगों के अंदर ऐसी जागृति लानी पड़ेगी कि कुछ भी हो समाज के प्रति गद्दारी नहीं करनी है। ऐसे नेता को टिकट देना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अन्य पार्टियां तो ऐसे नेता को चाहती ही हैं, चाहे उदित राज हों चाहे पासवान हों, क्योंकि दूसरी पार्टियों के माध्यम से ये चुनाव जीते हैं। तो और पार्टियां चाहती हैं कि इस समाज का नेता
बिकाऊ नेता हो, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने ऐसे लोगों को नोट लेकर के टिकट नीलाम किया, और वो जो है टिकट लेने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद में अगर कोई माफिया चुनाव जीत गया तो माफिया के अपने गिरोह के लोगों को अपने गिरोह के लोगों का उसने भला किया, और अगर कोई डकैत जीत गया तो उसने अपने गैंग के लोगों का भला किया। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि बहुजन दलित समाज में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो कभी न बिक सके, जिसके अंदर एक चरित्र हो, जिसके अंदर एक ऑनेस्टी हो। लेकिन अगर हमारा नेता पैसा लेकर, हमारे समाज के व्यक्ति 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया दे करके टिकट खरीदेगा तो उसके बिकने की संभावना रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ और प्रेस का मैं धन्यवाद करता हूँ कि अगर प्रेस इस तरह से जागरूकता समाज में ला देगा तो शायद जो है टिकट बेचने खरीदने की ये जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये समाप्त हो सकेगी। धन्यवाद सर।